अस्सलामु अलैकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पीपीएससी के लिए जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो इससे पहले भी बहुत से एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 25 तक इससे पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे पहले 25 क्वेश्चन जो है, तो आज क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे और वो उस जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो भी साथ दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, द इसराइल करेंसी इज यूरो, शेकल, फोरेंट, क्रोन। इसराइल की करेंसी कौन सी है, यूरो, शेकल, फोरेंट या क्रोन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेकल। क्वेश्चन 27, स्विस कैनाल इज बिटवीन, ऑप्शन ए द अरेबियन सी एंड रेड सी, बी रेड सी एंड नॉर्थ सी, ऑप्शन सी मेडिटेरियन सी एंड नॉर्थ सी, ऑप्शन डी मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विस कैनाल इज बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 3 मई इज कंसिडर्ड एज लेबर डे, इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे, प्रेस फ्रीडम डे। तो 3 मई जो है इज़ कंसीडर्ड एज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेस फ्रीडम डे। क्वेश्चन 29 है, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द नेशन इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। The most powerful organ of the United Nation is, United Nation का सबसे most powerful organ कौन सा है? तो इसका right answer है Security Council, option B इसका right होगा। Question 30, the dash country does not yield veto power, United States, United Kingdom, Canada, France, इनमें से किस country के पास veto power नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब है option सी, कनाडा। क्वेश्चन 31, कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G8, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, इनमें से कौन सा कंट्री G8 का मेंबर नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया जो है वो G8 का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, द नेटो वॉज साइंड इन 1945, 1947, 1949, 1951, नेटो कब साइन हुआ? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, 1949। क्वेश्चन 32, रेड क्रॉस हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनीवा, द हेग। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिनीवा। क्वेश्चन 33, द मोटो ऑफ UNO इज़, इट इज़ योर वर्ल्ड, लाइफ फॉर ऑल, पीस, लव एंड पीस। द मोटो ऑफ UN इज ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा इट इज़ योर वर्ल्ड। क्वेश्चन 34, द G8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश कंट्रीज, डिवेल्प, डिवेल्पिंग, एशियन या अफ्रीकन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द G8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवेल्पिंग कंट्रीज। 35, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, रुपया, दिनार, रिंगिट या रियाल? तो इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुपया। दी करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज रुपया। क्वेश्चन नंबर 36, देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क, सार्क के कितने मेंबर्स हैं, 5, 6, 7 या 8? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, 8। सार्क के टोटल मेंबर्स जो हैं वो 8 हैं। क्वेश्चन 37, विच इज़ कैपिटल ऑफ एंगोला,
एंगोला का कैपिटल कौन सा है? बाको, कैनबरा, लुआंडा, मनामा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुआंडा। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान या क्वेटा। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, लाहौर। क्वेश्चन 39, TCS स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट कुरियर सर्विस, ट्रांस कुरियर सर्विस, टाइम कुरियर सर्विस, नन ऑफ दी। तो इसका मतलब है TCS स्टैंड फॉर ट्रांस कुरियर सर्विस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, डैश कंट्री इज कॉल्ड दी बफर स्टेट ऑफ एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज कॉल्ड द बफर स्टेट ऑफ एशिया। क्वेश्चन 41, आर्चरी इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, भूटान। क्वेश्चन 42, वेयर इज पार्ट पैलरमोलो केटेड? वेयर इज पोर्ट पैलरमो लोकेटेड? टेरेनियन सी, रेड सी, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरियन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43, विच मुस्लिम कंट्री हैज अ हिंदू गॉड ऑन इट्स करेंसी? इंडोनेशिया, मोरक्को, तुर्की, ब्रुनेई। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। क्वेश्चन 44, चरना आइलैंड इज फेमस फॉर इट्स कंट्री? सर्फिंग, फ्लाई बोर्डिंग, स्नॉर्कलिंग, वेक बोर्डिंग। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, स्नॉर्कलिंग। क्वेश्चन 45, द कैपिटल ऑफ जैम्बिया इज? हरारे, एपिया, लुसाका, हनोई। द कैपिटल ऑफ जैम्बिया इज ऑप्शन ए, हरारे। क्वेश्चन नंबर 46, द कैपिटल ऑफ समोआ इज? मायोटी, कोराकास, मोंटेवीडियो, एपिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एपिया। क्वेश्चन 47, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लिलीज? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको या यूके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। क्वेश्चन 48, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लंबर? लिथुनिया, बोलीविया, कनाडा या इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिथुनिया। क्वेश्चन 49, डैश इज कॉल्ड द आइसली ऑफ पेरल? ईरान, बहरीन, इराक, सीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहरीन। क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज की टू मेडिटेरियन सी? स्पेन, इजिप्ट, बाबुल मनीब, जिब्राल्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिब्राल्टर।